38 दिन से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, वहाँ बैठे हैं जो नॉर्मली हम प्रोटेस्टर्स को नहीं देते हैं इनके वहाँ जन। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ गीतांजलि जाधव। पहलवानों को गिरफ्तार करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां दिल्ली पुलिस का इस पर बयान सामने आया। 28 मई को दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सुमन नलवा ने जंतर मंतर से शीर्ष पहलवानों को हिरासत में लेने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने सभी अनुरोधों के बावजूद कानून का उल्लंघन किया। सुमन नलवा ने कहा कि पिछले 38 दिनों से जंतर मंतर पर विरोध कर रहे पहलवानों को हमने हर संभव सुविधाएं प्रदान की, लेकिन कल सभी अनुरोधों के बावजूद उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, उन्हें हिरासत में लिया गया और शाम तक फिर रिहा कर दिया गया। दरअसल नई दिल्ली जिले के DCP ने भी बताया कि पहलवानों का धरना प्रदर्शन निर्वाध तरीके से जंतर मंतर की सूचित जगह पर चल रहा था। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने तमाम आग्रह के बावजूद कानून का उल्लंघन करते हुए धरने को समाप्त किया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक माह से अधिक समय से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को रविवार को कानून हाथ में लेने पर वहां से हटा दिया गया। रविवार यानी कि 28 मई पहलवानों के धरना और मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने उनसे किए गए सभी अनुरोधों के बावजूद कानून का उल्लंघन कर दिया, इसीलिए धरने को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। जहां फिलहाल ये भी बताया गया कि DCP और दिल्ली पुलिस की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमन नलवा ने कहा कि रविवार को प्रदर्शन को लेकर पहलवानों से बातचीत की गई, पर उन्होंने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। अगर ये कहीं और प्रदर्शन करने की इजाजत मांगेंगे तो इजाजत दी जा सकती है, लेकिन अब जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया जाएगा। पहलवान साक्षी मलिक ने रविवार के धरने और उनके खिलाफ FIR दर्ज होने पर कहा कि कल जो स्थिति बनी वो खराब थी, हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, जंतर मंतर से 10 कदम की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी, हमें जबरदस्ती बस में उठाकर डाला गया, हमें घसीटा गया, हमें चोट दिया। फिलहाल ये कह दिया गया है कि जंतर मंतर पर अब पहलवानों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।